distinguished former presidents managing committee members and full membership of PhD CCI. i will begin with a brief introduction of phg chamber of commerce and industry PhD CCI has been working as a catalyst for the promotion of indian industry trade and entrepreneurship for the past 116 years as a partner in progress with industry and government PhD CCI works at the grassroots level with strong national and international linkages for propelling progress Harmony and integrated development of the Indian economy. PhD CCI, acting as the voice of industry and trade with a large membership base of 1,50,000 direct and indirect members, consisting of large, medium, and small industries, has forged ahead, leveraging its legacy with the industry knowledge across multiple sectors to take Indian economy to the next level. This webinar on Naya Salki with Brahm Kumari Shivani Didiji. Refers to the notion of understanding the notion of meditation. This gives a clear sp spiritual understanding of own self, helps to rediscover and use the positive qualities already latent within us. It helps to create new attitudes and develop new responses. Like any skill, this requires practice. By doing a little meditation every day, it soon becomes a natural and easy habit. Which generously rewards us for the effort it involves. Shivani Didi addresses a wide spectrum of topics like self-transformation, self-empowerment, life skills, emotional and mental wellness, karmic philosophy, and harmony in relationships, parenting, value education, leadership skills, overcoming addictions, and many more. With this note, I would like to extend our warm greetings to those participating in today's seminar. याद कि नव वर्ष होता है नए संकल्पों को करने का दिन इस दिन हम अपने पूरे आने वाले वर्ष के लिए क्या संकल्प कर सकते हैं कैसे हम अपना जीवन सुधार सकते हैं कहा जो कमियां हैं उनको हम कैसे अपने जीवन से निकाल सकते हैं इसका हमें संकल्प करना होता है और उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर नहीं लिया बल्कि उसको दोहराते रहना है और उस पर चलना भी होता है दीदी से आज हम इसी सबकी शिक्षा ग्रहण करेंगे और दीदी हम आपको अवेकनिंग टीवी पर तो सुनते ही हैं सबसे हाईएस्ट हाइएस्टर चैनल है आपके प्रवचनों के कारण से और आप ऑर्गेन डोनेशन और पेरेंटिंग पर बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं आज इन्हीं सब विषयों का सम्मिश्रण हमें आज के इस कार्यक्रम में मिलेगा अब दीदी हम आपको सुनने के लिए आतुर हैं आपको सुनेंगे नमस्कार ओम शांति नया साल वैसे तो हम ऑलरेडी आज तीन तारीख पर आ चुके हैं लेकिन जब पहली तारीख होती है या कहीं रात के बारह बजते हैं तो हर एक के अंदर एक ही संकल्प होता है कि हम पुराने साल को विदाई दे रहे हैं और आने वाले नए साल को बधाई दे रहे हैं विदाई अर्थात जो कुछ हुआ और हम सबको पता है 2021 में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हमारा मन तैयार भी नहीं था हमें तो लगा था कि 2021 मतलब सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन जीवन, जो जो बातें आती हैं, वो अचानक आती है तो 2021 को विदाई देने के साथ साथ 2021 से शिक्षाएं भी ले लेनी चाहिए सबसे पहली शिक्षा जो 2021 ने हमें दी वो थी अचानक के लिए तैयार रहना अचानक परमात्मा हमेशा सिखाते हैं अचानक का पाठ पक्का कर लो अर्थात अचानक कुछ भी होगा बताकर तैयारी कराकर नहीं होता है अचानक होता है चाहे वो पूरी दुनिया में हो चाहे वो हमारी कंपनी में हो चाहे वो हमारे परिवार में हो या हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में हो वर्ड शब्द है अचानक इस अचानक के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है तो 2021 ने हमें इस शब्द का महत्व समझाया कि अगर मेरे जीवन में अचानक कोई बात आती है क्या मेरा मन तैयार है क्या मेरे पास उतनी शक्ति है कि वो अचानक आई हुई बात को स्थिरता से बहुत स्थिरता से क्योंकि अचानक जो होता है वो बाहर होता है बाहर कुछ होता है ऐसा जिसके लिए हम तैयार नहीं थे 2022 शुरू हुआ हमें नहीं पता कि 2022 अपने साथ क्या लेकर आया है बाहर क्या होने वाला है नहीं पता है बाहर की दुनिया की गारंटी नहीं है ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि दो दुनिया है एक बाहर की दुनिया द वर्ल्ड और एक आंतरिक दुनिया द इनर वर्ल्ड इन दोनों में से एक भी दुनिया अगर इन कंट्रोल चले तो सब कुछ सही है जीवन क्रॉस करना बहुत सहज आराम से हो जाएगा लेकिन या तो बाहर की दुनिया कंट्रोल में चले या फिर ये आंतरिक जगत मेरे अनुसार चले तो हमने ये सीखा ही है पिछले कुछ सालों में कि बाहर अचानक कुछ होता है और इसलिए 2021 जो हमें एक और शिक्षा देकर गया है वो ये है कि अपने आंतरिक जगत की तैयारी रखें हमेशा कि जैसे ही कोई बात आए हमारा मन सबसे पहली चीज स्थिर रहे स्थिर बात का साइज क्या होता है हम कहते बहुत बड़ी बात आई बातों का कोई साइज नहीं होता है हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि एक ही फैमिली में एक बात आती है परिवार में चार लोग है लेकिन उन चार लोगों के लिए बात का साइज अलग अलग होता है एक जना कहता है कितनी बड़ी बात आई है दूसरा कहता है हाँ बड़ी बात आई है तीसरा कहता है हाँ बात आई है ऐसी तो बातें आती रहती हैं, चौथा कहते हैं तो छोटी सी बात है इसमें क्या बात है ये तो बात आराम से क्रॉस हो जाएगी तो बात का साइज क्या होता है बात का कोई साइज नहीं होता साइज होता है डिपेंडेंट ऑन हमारी शक्ति तो बात का साइज डिसाइड करता है मेरा मन तो जितना मेरा मन शक्तिशाली होगा उतनी बात छोटी लगेगी और बात छोटी लगेगी और हमारा शक्तिशाली मन बात पर हावी हो जाएगा और बात का बहुत आसानी से सामना कर लेगा और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन lesson, क्योंकि लेसन लेकर आगे चलना बहुत जरूरी है और वो लेसन ये है कि बाहर सब मेरे अनुसार हो इसकी इच्छा रखे ना क्योंकि हम कितनी भी तैयारी करें बाहर तो कुछ भी हो सकता है बदल सकता है लेकिन ये तैयारी रखें कि मैं अपने मन को हर रोज और पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल और, और शक्तिशाली बनाऊं जिसको हम कहेंगे इमोशनल स्टेमिना मन का स्टेमिना क्या है बातों को फेस करने के लिए या कहेंगे इमोशनल हेल्थ इमोशनल इम्यूनिटी पिछले दो सालों में इम्यूनिटी शब्द सबसे ज्यादा सर्च किया गया है इंटरनेट के ऊपर लेकिन इम्यूनिटी कौन सी हमने सर्च की हमने सर्च की शरीर की इम्यूनिटी हमें इस इंफेक्शन से बचने के लिए शरीर की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है और हम सबने अपना ध्यान रखा लेकिन एक और चीज जो इस दो सालों ने देखी कि कोविड एक शारीरिक बीमारी बहुतों को हुई और हम में से कोई तो अपने शरीर का त्याग करके आगे भी चले गए लेकिन हम में से बहुत है जिनके घर कोविड अंदर नहीं घुसा उनके परिवार में किसी को कोविड नहीं हुआ लेकिन फिर भी उनको चिंता डर एंजाइटी और कई में तो डिप्रेशन के भी सिम्टम अब ये अपने आप से पूछने की जरूरत है कि मेरे पास तो परिस्थिति भी नहीं आई थी फिर मेरा मन इतना परेशान इतना हताश इतना डर और चिंता में क्यों हुआ एंड दैट इज अ साइन कि मुझे अपने इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना है क्योंकि अब शायद फिर से सृष्टि पर और देश पर फिर से वो तीसरी लहर शुरू हो कोविड से हम बच सकते हैं मास्क लगा लें घर में बंद हो जाए कोविड अंदर नहीं घुसेगा लेकिन डर और चिंता ये दरवाजों से नहीं रुकती है ये हम इससे अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं इसको सामना करने के लिए हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि लेसन सीखे बिना साल को विदाई नहीं देनी चाहिए लेसन सीख के फिर अगले साल की शुरुआत करनी चाहिए और पिछले साल ने हमें एक और चीज सिखाई है और वो है शुक्राना करना शुक्रिया कीजिए अपने हर रिश्ते का शुक्रिया कीजिए हर उस व्यक्ति का शुक्रिया कीजिए जो आपके जीवन में आपके साथ है अपने काम का शुक्रिया कीजिए काम में आपके साथ जो लोग हैं उनका शुक्रिया कीजिए कितना हम ईजिली लोगों के अंदर गलतियां ढूंढते रहते हैं निंदा करते रहते हैं ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं। इस साल ने अचानक हमें कई लोगों से दूर कर दिया इसीलिए हर रिश्ते की वैल्यू छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर नहीं रखना ऐसे ही गांठे बांध देते हैं हम पता ही नहीं चला जिनके साथ गांठ बांध के रखी थी हम गांठ खोले बिना ही वो हमसे दूर चले गए तो ये एक और बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें हर एक की वैल्यू हर एक के लिए शुक्राना अपने पास जो काम है उसका शुक्राना उसमें भी गलतियां ढूंढते रहते हैं कभी कभी मेरे ऑफिस में ये है ऐसा है ऐसा नहीं होना चाहिए इस साल महतुम के पास काम ही नहीं था तो काम की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कितना शुक्रिया होना चाहिए तो हमें शुक्रिया करना भी इस साल ने सिखाया तीसरी चीज हमें इस साल ने क्षमा करना सिखाया बातें पकड़ के रख लेते हैं लोगों से नाराज हो जाते हैं रूठ जाते हैं इस साल ने बताया कि अचानक अचानक कुछ भी हो सकता है अचानक थोड़ा सा बुखार ही हुआ था और आज वो हमारे साथ नहीं है किस बात की शिकायत किस बात की नाराजगी अब मन कहता है आप वापस आ जाओ हम जीवन में कभी आपसे नाराज नहीं होंगे हम कभी नहीं रूठेंगे लेकिन वो हो नहीं सकता तो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा रूठना रूसना नाराज रहना गुस्सा रहना नहीं एवरी वन हर एक जो हमारे साथ है वो कितना कितना वैल्यूबल है हर रिश्ता हमारा कितना प्यारा है तो ये लेसन हम पिछले साल से ले ले ताकि हम इन लेसन को हम अपने अगले साल में लेकर जाएंगे तो इस नए साल के अंदर हमारा मन पहले से कई गुना स्ट्रोंग शिक्षा और पावरफुल होगा और जब पहली तारीख शुरू हुई तो हम सब ने संकल्प किए होंगे क्योंकि बचपन से सीखते आए हैं कि कोई भी नई आदत नया संस्कार लाइफ में चेंज तो हम कहते हम न्यू ईयर से करेंगे हम न्यू ईयर से करेंगे वैसे तो ना एक तरीक का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है जिस दिन भी संकल्प आए परिवर्तन करने का मन करे उसी क्षण कर लेना चाहिए ताकि हमारा न्यू उसी दिन शुरू हो जाना चाहिए पर फिर भी क्योंकि अभी एक तरीक आई तो सबके मन में संकल्प आए होंगे अब चेक करना वो संकल्प अभी तक डटा हुआ है ना क्योंकि आज तो तीन तारीख हो गई है ऑलरेडी तो पहले दिन हम संकल्प करते हैं हमारा इंटेंशन बहुत प्योर होता है कि मुझे अपने अंदर ये चेंज लाना है चेंज लाने के लिए दो चीजें चाहिए एक तो मुझे क्या चेंज करना है वो तो हमें पता है दूसरा एक दृढ़ इच्छा कि मुझे चेंज होना है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए उस परिवर्तन को लाने की शक्ति क्योंकि हम में से कईयों ने अनुभव किया कि एक तारीख को बहुत अच्छे संकल्प हम करते हैं कुछ दिनों तक हम उस संकल्प को बहुत अच्छे से अपनी धारणा में अपने जीवन में लाते भी हैं लेकिन कभी कभी कईयों के लिए वो परिवर्तन कायम रहता है लेकिन कभी कभी हमारा संकल्प थोड़े दिन में छूट जाता है ढीला पड़ जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कब अगले बारह महीने क्रॉस हो जाते हैं और हम अपने फिर इकतीस दिसंबर पर आकर पहुंच जाते हैं समय बहुत फास्ट बीतता जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम संकल्प करें उसको हम अपना वास्तविकता अपनी जीवन में कैसे लेकर आए उसको भी पक्का करना है सिर्फ संकल्प करने से संकल्प हमारा भाग्य नहीं बन जाते हैं संकल्प को दृढ़ता से करना जैसे हमें एक वृक्ष उगाना है तो हमें बीज डालना पड़ता है तो पहले दिन, पहली तारीख को हम संकल्प का बीज डालते हैं लेकिन बीज कहाँ डालना है सिर्फ एक संकल्प किया अर्थात तो बीज ऊपर ऊपर ही है जैसे कि जमीन के ऊपर बीज डाल दिया वो जमीन के ऊपर वाला बीज तो दो तीन दिन रहता है उसके बाद उड़ जाता है वहां से संकल्प यहां नहीं किए जा सकते संकल्प बहुत गहरे अपनी सब कॉन्शियस माइंड में डालने की जरूरत होती है तो हम संकल्प कैसे करते हैं संकल्प अर्थात बीज डालने के लिए मिट्टी को खोद के फिर बीज डालना है ऊपर ऊपर से नहीं डालना है और फिर बीज डालने के बाद उसको रोज पानी देना पड़ता है और रोज धूप भी देनी पड़ती है तो आज फिर से सबसे पहले तो अपना संकल्प सामने लेकर आइए फिर देखते हैं इसको अपनी रियलिटी में कैसे बनाना है और क्यों बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें स्पिरिचुअल इक्वेशन पक्का होना चाहिए और वो स्पिरिचुअल इक्वेशन है संकल्प से सिद्धि होती है क्यों संकल्प ना जरूरी है क्योंकि संकल्प सिद्ध होते हैं संकल्प हमारा भाग्य बन जाते हैं तो संकल्प जो करें वो बहुत ध्यान से करें लेकिन सिर्फ वो एक दो संकल्प नहीं हम कोई भी संकल्प अगर बार बार करते हैं उसको रोज रिपीट करते हैं तो वो हमारी वास्तविकता बनना शुरू हो जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस फॉर्मूला को पकड़ के रखना है संकल्प से सिद्धि होती है तो अपने जीवन में जो सिद्ध करना चाहते हैं हम पहले तो हमें उसका संकल्प कर लेना है अब हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं किसी से भी पूछें क्या चाहिए तो हम कहेंगे खुशी चाहिए शांति चाहिए रिश्तों में प्यार चाहिए शरीर में सेहत चाहिए जो हमारा बिजनेस है व्यापार है हमारी जॉब है उसमें हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए सफलता चाहिए दुनिया में हमें सुख शांति चाहिए हमें सब पता है कि ये हमें चाहिए चाहने से नहीं होता सिर्फ जो हमें चाहिए उसको रियलिटी कैसे बनाना है क्योंकि एक तरफ से हम कहते हैं शांति चाहिए खुशी चाहिए दूसरी तरफ से हम कहते हैं टेंशन नॉर्मल है गुस्सा नॉर्मल है अभी कोविड के समय चिंता नॉर्मल है डर नॉर्मल है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है पहले तो नॉर्मल की डेफिनेशन को क्लियर करना है कि कौन सी भावनाएं नॉर्मल है और कौन सी भावनाएं मुझे कंफर्टेबल लगती है और ये नॉर्मल की डेफिनेशन हमें पूरे समाज में चेंज करने की जरूरत है ये बहुत जरूरत है तो इस साल का इसको एजेंडा बना लें कि नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करें वैसे भी दुनिया कह रही है वॉच द न्यू नॉर्मल नया नॉर्मल क्या है एक्चुअली वो नया नहीं है वो ही एक्चुअल नॉर्मल था हम भूल गए थे बहुत समय से तो जो एक्चुअल नॉर्मल था उसी को नॉर्मल पर लेकर आना है स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर अर्थात परिस्थिति सिचुएशन जीवन में आ, आई हुई बात छोटी सी चीज सड़क पर हम ट्रैफिक में अटक गए वो भी एक प्रेशर है एक बच्चे के लिए एक एग्जाम प्रेशर है किसी का मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं वो भी एक प्रेशर है कोविड भी एक प्रेशर है Which means एक बात जो मेरे जीवन में आई है जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं वो प्रेशर है काम पर हमारा टारगेट हमारी डेडलाइन एक प्रेशर है काम पर आने वाले चैलेंजेस भी सिर्फ एक प्रेशर है वो स्ट्रेस नहीं है वो प्रेशर है तो वर्ड को बदलना है भाषा को बदलना है हम कहते हैं वर्क स्ट्रेस हम कहते हैं ट्रैवल स्ट्रेस पर कभी हम कहते हैं पेरेंटिंग स्ट्रेस ये सारी चीजें स्ट्रेस नहीं है ये हमारे जीवन के प्रेशर्स हैं सिचुएशंस हैं तो इक्वेशन क्या है स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस रेजिलियंस आंतरिक शक्ति आंतरिक शक्ति तो वो ही प्रेशर पांच लोगों के पास होगा लेकिन हरेक की आंतरिक शक्ति अलग है तो इसलिए हरेक का स्ट्रेस लेवल अलग होता है प्रेशर हमारे कंट्रोल में नहीं वो बाहर से आने वाली चीज है आंतरिक शक्ति हमारी अपनी है। तो स्ट्रेस स्ट्रेस तनाव ये नॉर्मल नहीं है ये हमारे सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है तो सबसे पहली चीज अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं जब हमारा मन शांत है स्थिर है ये नॉर्मल है लेकिन अगर मैंने अपने मन में कुछ ऐसे संकल्प करने शुरू किए ऐसी सोच रची ये कैसे होगा ऐसे कैसे होगा अभी कोविड आएगा तो फिर क्या होगा फिर ऑफिस बंद हो जाएगा क्या फिर मेरे परिवार का बस तो ऐसे सोचना शुरू कर दिया अभी हुआ कुछ भी नहीं है जब होगा तब तो सोचना है लेकिन पहले से ही सोचना शुरू कर दिया सोचना शुरू कर दिया एक है ध्यान रखना एक है चिंता करना ध्यान रखना नॉर्मल है चिंता करना नॉर्मल नहीं है इसको हम कहते हैं इमोशनल इलनेस इमोशनल डिजीज अगर हम खुद को और अपनों को एक मेंटल हेल्थ इशू से बचाना चाहते हैं डिप्रेशन एंजाइटी, इन चीजों से बचाना चाहते हैं तो हमें इमोशंस को नॉर्मल रखना है स्ट्रेस चिंता डर गुस्सा इरिटेशन निंदा शिकायत करना अपने आप का दूसरे के साथ कंपैरिजन करना रीस करना कंपटीशन करना इनमें से कुछ भी इमोशनल हेल्थ नहीं है इसको विजुअलाइज करें आत्मा को एक बैटरी की तरह ये आत्मा बैटरी चार्ज रहनी चाहिए और ये सारी जो इमोशंस है ना इससे ये बैटरी टिप 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 करके कम होती रहती है और फिर सडनली जीवन में एक बात आती है शक्ति होती नहीं बात को सामना करने की और फिर वो एक तनाव सिर्फ तनाव न रहकर एंजाइटी बन जाता है तो इसलिए इस साल का लक्ष्य है कि इस आंतरिक शक्ति की बैटरी को पहले चार्ज करना है रोज और फिर उसको सारा दिन चार्ज रखना है यह हमारी जिम्मेवारी है यह हमारी जिम्मेवारी है तो इसको हम कैसे करेंगे सबसे पहली चीज इमोशनल हेल्थ के लिए अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखना है आज अगर हम शरीर की कोई बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहली चीज हमें पूछेंगे आपकी डाइट क्या है और वो डाइट में थोड़ी सी चेंजेस हमारे लिए, लिए लिख देंगे आधा काम तो उसी से ठीक हो जाता है इमोशनल हेल्थ के लिए इमोशनल डाइट। कभी हमने सोचा है कि क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी हो गया है अभी हमारी लाइफ तो टेक्नोलॉजी और साधनों की वजह से बहुत कंफर्टेबल हो गई है तो मन इतना अनकंफर्टेबल क्यों होता जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमारी इमोशनल डाइट हेल्दी नहीं है तो इमोशनल डाइट का खुद भी ध्यान रखना है अपने परिवार का ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखना है और इमोशनल डाइट है जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं विच मीन्स कॉन्टेंट कॉन्टेंट व्हाट वी वॉच व्हाट वी रीड व्हाट वी लिसन इज हो वी बिकम इसका तो एक अच्छा सा पोस्टर बनाकर अपने घर में लगा लेना चाहिए ताकि परिवार भी उसको दिन में बाहर 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 बार चलते फिरते देखता रहे कि जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं वो हम बनते हैं अगर हम तीस साल पहले जाए और ये इतिहास नहीं है हम में से मेजोरिटी के जीवन काल के समय की बात है तो हम तीस साल पहले जाए तो पहला फोन पहला टीवी पहला कंप्यूटर फिर इंटरनेट फिर मोबाइल ये सब कुछ हम सब ने अपने जीवन काल में देखा है तो हम वो लास्ट जेनरेशन है जिसको पता है कि ये कैसे हुआ था आजकल के बच्चे तो हमें ऐसे देखते हैं हो आप बिना फोन के भी कैसे रह सकते हो बिना इंटरनेट क्योंकि वो तो पांच दस मिनट भी नहीं रह पाते ना उसके बिना कहते आपके जीवन में ये था ही नहीं तो उनके लिए वो इतिहास है लेकिन हम लास्ट जनरेशन है जिसको पता है कि सोसाइटी कैसे मूव हुई है इन चीजों के साथ तो जब हम स्कूल कॉलेज में थे स्कूल में थी मैं तो तो पहला टीवी आया तो पहला एक सीरियल और वो भी सात्विक होता था भाषा भी बड़ी सात्विक होती थी हमें कुछ न कुछ सिखा के ही जाता था बट फिर वो भी हफ्ते में एक ही दिन आता था सिर्फ तो फिर हम वेट करते थे अगले सैटरडे आएगा अगले संडे आएगा अब आप देखो कंटेंट शुरू हुआ पहली बात तो वो सात्विक था उसकी भाषा भी बहुत अच्छी थी और वो एक हफ्ते में एक बार ही आता था खबरें भी कैसे सुनाई जाती थी दिन में एक या दो बार ही आती थी आधे घंटे के लिए और बड़े प्यार से आराम से ऐसा नहीं है कि बातें उस टाइम होती नहीं थी दुनिया के अंदर बहुत बातें तब भी होती थी लेकिन वो समाचार बताने का तरीका सुनाने का तरीका सुनने वाले मन को स्थिरता से बड़ी से बड़ी बात बताई जाती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है ऐसा शुरू हुआ, हुआ हमारा फर्स्ट एक्सपोजर टू कंटेंट। उसके पहले का तो कोई हमारे इमोशनल डाइट क्या थी बस हमारे माता पिता जो बताते टीचर्स जो बताते और अच्छी अच्छी किताबें जो हमें स्कूल में मिलती है अब शुरू हुआ कॉन्टेंट कॉन्टेंट फिर आया वो किसी का बिजनेस है ना मीडिया और कंटेंट भी थो. तो उन्होंने सोचा अरे हफ्ते में एक दिन से इतना कुछ अच्छा चल रहा है अब हम उसको डेली का एपिसोड कर देते हैं तो फिर वो फंस इन अ वीक एपिसोड डेली हो गया अब वो बातें डेली होने लगी अब डेली होने लगी तो उसकी सात्विकता भी थोड़ी सी बदल गई कि रोज इतना सिंपल सिंपल क्या बताएंगे तो कहानियां काफी घूमने लग गई और और भावनाएं हमने सुननी पढ़नी देखनी शुरू कर दी घर टूट रहे थे उन एपिसोड्स के अंदर कोई किसी को धोखा दे रहा था बहुत कुछ ऐसा था जो हमारे घरों में नहीं हो रहा था लेकिन हम उसको कहानी के रूप से देखने लग गए थे और अगर हम चेक करें कि जो कुछ कहानियों में हो रहा था बहुत ही जल्दी वो हमारे समाज में होने लग गया जब हम उनसे पूछें कि आप लोग ऐसी चीजें क्यों दिखाते हैं टीवी में सीरियल में कहते हैं ये समाज में होता है इसलिए हम दिखाते हैं तो वो राइट है जब वो समाज में एक दो चार जगह होता है उसकी वो स्टोरी बनती है लेकिन जब वो स्टोरी घर में रोज चलती है तब वो समाज में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो शब्द ये बहुत ध्यान रखना है हमारे घर में जो सीरियल चल रहा है जो गाने चल रहे हैं वो शब्द हैं और उन शब्दों का उच्चारण हमारे घरों के अंदर हो रहा है हर रोज जैसे पूजा पाठ हवन मंत्र ये शब्द होते हैं और जब इनका उच्चारण हमारे घर में होता है तो घर में शुद्धता आ जाती है सात्विकता आ जाती है अब जो टीवी के द्वारा सारा दिन शब्द उच्चारण होते हैं तो सोचो उस वो हमारे घर को क्या करता होगा तो फिर ये समय आया फिर तो हमारे पास इंटरनेट आ गया फिर हमारे पास फोन आ गए अब ये जो ये जो जो एपिसोड्स सीरियल पहले हफ्ते में एक दिन आते थे फिर हर रोज आने लगे फिर तो ये हमारे फोन पर आ गए अब हम एक ही दिन में कितने भी देख सकते हैं फिर हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए अब हम सब तरह का कॉन्टेंट पूरे विश्व भर का कॉन्टेंट सब जगह की संस्कृति सब तरह की भाषा सब तरह के विचार हम कंज्यूम करने लगे ट्वेंटी फोर बाय सेवन ट्वेंटी फोर सेवन तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं कि इमोशनल डाइट कैसे चेंज हुई इसका अगर ग्राफ बनाए तो इसी के साथ हमें डायरेक्ट संस्कार और हमारी इमोशनल हेल्थ का कनेक्शन दिखाई दे देगा डायरेक्ट कनेक्शन है तो थर्टी इयर्स पहले स्ट्रेस कोई वर्ड ही नहीं था कोई शब्द ही नहीं था हम स्कूल में एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ी सी टेंशन बोलते बाकी साल तो कुछ वो टेंशन भी नहीं थी आजकल स्कूल के बच्चे बात करते हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी तो क्या हम सब इतनी मेहनत इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आज हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बात करें उसकी दवाइयां लें क्या ये हमारे सफलता का प्रतीक है इज दिस वॉट इज सक्सेस इज दिस वॉट भारत इज गोइंग टू स्टैंड फॉर क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत बहुत रिच है बहुत रिच संस्कृति है तो सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस नए साल की पहली प्रतिज्ञा अपनी इमोशनल डाइट पर ध्यान देना इस डाइट पर ध्यान दिए बिना आपने जो संकल्प किया होगा उसको रियलिटी में लाना थोड़ा सा मुश्किल है मुश्किल है क्योंकि जैसे अगर हम संकल्प करें हेल्थ का लेकिन हम जंक फूड खाएं तो वो हेल्थ आ नहीं सकती मुश्किल है इसी तरह आपने संकल्प किया होगा मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगा मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा मैं ये नहीं करूंगा मैं... बहुत अच्छे अच्छे हम संकल्प करते हैं लेकिन हम कंटेंट कौन सा सुन रहे हैं जिसमें कोई चिल्ला रहा है कोई शोर मचा रहा है कोई गुस्सा कर रहा है कोई किसी की निंदा कर रहा है कोई किसी को नीचे खींच रहा है हमारा वो कॉन्टेंट है तो जो हमने संकल्प किया होता है ना कि मैं खुश रहूंगा शांत रहूंगा वो दो दिन में ही गायब हो जाता है क्योंकि हम वो डाइट हो ले रहे हैं तो अगर हमारे कंटेंट में काम क्रोध लोभ अहंकार एंगर ग्रीड इको से क्रिटिसिज्म कंपैरिजन सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म कंपैरिजन से भरपूर सारा दिन एक दूसरे के नंबर देखते रहते हैं पहले तो बिजनेस में देखते थे सिर्फ अब तो सिर्फ पोस्ट पे भी देखते रहते हैं किसके नंबर उनके कितने नंबर आए मेरे नंबर कितने आए ये छोटी छोटी चीजों से हम अपना समान हम अपना समान हम अपना वैल्यू सिस्टम हम ये देखते रहते हैं उनके जितने नंबर आए वो मेरे को लाने के लिए मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा तो हमारी ये जो सोचने की विधि है ये बहुत बदल गई है तो अगर हमारे इमोशनल डाइट के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकारर्ष्या द्वेष नफरत ये होगा तो हमारी सोच में ये होगा ही होगा ये होगा होगा ही तो सबसे पहली चीज आज प्रतिज्ञा कर लें इमोशनल कंटेंट इमोशनल डाइट पर स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट आजकल हम अपनी डाइट शरीर की डाइट पे बहुत ध्यान रखते हैं उसी तरह मन की डाइट पर भी ध्यान रखना है कि फोन पर ऐसे ऐसे जो हम देख रहे होते हैं टीवी पर हम ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं और इंटरनेट पर हम ऐसे ऐसे करके जो देख रहे होते हैं वो टाइम पास नहीं होता है वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है वो हमारा व्यक्तित्व बनाता है और हमारा व्यक्तित्व हमारा भाग्य बनाता है। तो कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी तो मीडिया कंटेंट किसी का बिजनेस है लेकिन हमारे लिए वो हमारे और हमारे परिवार का भाग्य है डेस्टिनी है ध्यान से चुनिएगा ध्यान से चुनिएगा एक बार अंदर गई हुई चीज हटाई नहीं जा सकती वो मेरे अंदर जा चुकी है इट है तो एंटरटेनमेंट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए दूसरी प्रतिज्ञा जो आपकी सारी प्रतिज्ञाओं को सिद्ध कर सकता है वो है हमारा स्लीप साइकिल हमारी नींद ये हमें मानसिक बीमारियां इतनी सारी भावनात्मक बातें इस तरह के इश्यूज क्यों हो रहे हैं नींद की कमी के कारण लेकिन हम सब तो अच्छे से सोते हैं पर नींद की कमी क्यों हमारे अंदर बैठ रही है क्योंकि सबसे पहली चीज है हमारे सोने का समय और दूसरी चीज है हमारा सोने का तरीका ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सोने का समय अब आजकल रात को लेट सोना ये बड़ा नेचुरल सा हो गया है और लोग कहते क्या करें काम हमारा ऐसा है लाइफ हमारी ऐसी है किसी भी चीज के ऊपर ब्लेम नहीं रखना है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम अपने मन को हेल्दी रखना चाहते हैं अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमारा स्लीप साइकिल बहुत सही होना चाहिए आपको याद है ना बचपन में हम सुनते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आजकल के बच्चे नहीं बोलते ये लाइन उनको पता भी नहीं है ये वाली लाइन अर्ली टू बेड अर्ली टू मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज इस लाइन को वापस ले लेते हैं हम वो लास्ट जनरेशन है जिनको ये सारी बातें पता है इनको अपने जीवन में दोबारा ले आते हैं और फिर अपनी अगली जनरेशन को भी ये बातें सिखा देते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति है ये हमारी संस्कृति है हम सब की बड़ी शुभ इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को वो दें जो हमें नहीं मिला था बहुत अच्छी बात है जो हमें नहीं मिला था ना वो थे बाह्य कम्फर्ट्स क्योंकि हम सब ने एक संघर्ष की जीवन शुरू की थी तो हमारे पास आज बहुत सारे बाह्य कम्फर्ट्स हैं सब कुछ है हमारे पास आज तो हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को वो सब कुछ दें लेकिन उसके साथ अपने बच्चों को वो दें जो आपको मिला था जो आपको मिला था वो संस्कार वो सही जीवन जीने का तरीका तो द राइट टाइम टू स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट दस से दो ये चार घंटे हम जागृत अवस्था में नहीं होने चाहिए वी शुड नॉट बी अवेक बिटवीन टेन एंड टू दस से दो हाइएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम होता है तो अगर हम ग्यारह बजे सो रहे हैं हम एक घंटा बहुत वैल्यूबल खो देते हैं अगर हम 12 बजे सो रहे हैं तो हम दो घंटे खो देते हैं आजकल के तो हमारे बच्चे एक बजे सो रहे हैं दो बजे सो रहे हैं तीन बजे सो रहे हैं जितने बजे उठना चाहिए उतने बजे सोने जा रहे हैं तो कुछ भी अगर हम नेचर के विपरीत करेंगे तो हमारा रिजल्ट सही नहीं होगा हम सबको पता है कि आजकल हमें दुनिया में वर्कशॉप्स कराई जा रही है आई वी एम लीडरशिप क्लब इसका मीनिंग क्या कि अगर हमें लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करनी है सफलता वो अगर हमें वो क्वालिटी क्रिएट करनी है तो हमें सवेरे पांच बजे उठना होगा अब आप में से बहुतों ने संकल्प क्या होगा एक तारीख को कि मुझे सुबह जल्दी उठना है ये बहुतों का संकल्प होता है हर साल की शुरुआत में कि मुझे सुबह जल्दी उठना है लेकिन ये संकल्प काफी नहीं है उसके लिए ये संकल्प करना पड़ता है कि मुझे रात को जल्दी सोना है अगर आप रात को देर से सोकर सुबह जल्दी उठते हैं तो वो तो हानिकारक है क्योंकि वो फिर नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह जल्दी उठने का संकल्प करने की जरूरत ही नहीं है आप सिर्फ संकल्प कीजिए कि मैंने रात को सही समय पर सोना है सुबह की नींद अपने आप गारंटी है कि वो खुल जाएगी तो साढ़े नौ दस बजे अब मन को ये अलाव मत करना अभी कहना ना ना दस बजे कैसे हम सो सकते हैं मन को कहना सोना ही है अब बाकी देखते हैं कैसे दिनचर्या को चेंज करना है दस बजे तक वी शुड बी इन डीप स्लीप गहरी नींद दस बजे उसके लिए आठ बजे एंड ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है जो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं आपके अंदर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो समाज को रिप्रेजेंट करती है आपके ऑफिस से हर एक जो घर जाता है वो किसी का पेरेंट है वो एक माता पिता है जो आपके घर से रोज घर जाते हैं उनके मन की स्थिति कैसी होगी घर जाने के बाद उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है उनके बच्चों पर और उससे बन रहा है हमारे देश का संस्कार और संस्कृति तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स हैप्पी पीपल होम ये हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी नहीं है कि हम अपने वो दो परसेंट टर्न से समाज की सेवा करें वो तो हम करते ही हैं, बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी है कि हमारे ऑफिस से हर एक समय पर घर जाए खुश जाए और घर जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मन में भी घर पर रहे घर पर रहे क्योंकि अब वो घर जा चुके हैं तो आठ से दस ये दो घंटे कम से कम वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट होना चाहिए हर एक को हर एक को लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर आपको 10 बजे गहरी नींद अनुभव करनी है तो आपको दो घंटा पहले वर्क कम्युनिकेशन से डिसकनेक्ट करना पड़ेगा अर्थात ईमेल मैसेजेस फोन कॉल्स कल सुबह कल सुबह अनलेस देर इज अ क्राइसिस और क्राइसिस बहुत कम होता है क्राइसिस बहुत कम होता है लेकिन हम हर फोन हर ईमेल हर मैसेज इसको अर्जेंट समझ के उसी टाइम जवाब देते रहते हैं जैसे हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें जल्दी खाना खाना चाहिए तो हम सबको ये वाली हैबिट भी पक्की करनी है दस बजे सोने के लिए सात बजे हमें रात का भोजन कर लेना चाहिए क्यों करना चाहिए तो हमें तीन घंटे मिलते हैं उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए क्यों हमें डाइजेस्ट करना चाहिए ताकि नींद में डाइजेस्ट ना करना पड़े हमारा डाइजेस्ट करने का काम सोने से पहले अगर हो जाएगा तो हमें कम घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर हम लेट खाना खाते हैं हैवी खाना खाते हैं तो हम डाइजेस्ट भी नींद के अंदर करते हैं तो हमारा मन और बॉडी एनर्जाइज करने की बजाय डाइजेस्ट कर रही है या तो खाना डाइजेस्ट कर रही है या जो हमारा मन है वो इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट कर रहा है जो हम दो घंटा सोने से पहले कंज्यूम करते गए चाहे वर्क की ईमेल्स वर्क के मैसेजेस दुनिया की खबरें या फिर हमारा एंटरटेनमेंट पे मीडिया बहुत कुछ हम अपने अंदर भर देते हैं रात को सोने से पहले सोने से पहले मन और शरीर दोनों को लाइट होना चाहिए हल्का होना चाहिए तो डिनर रात का भोजन सेवन ओ से पहले पहले और वो भी लाइट भोजन जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए आठ बजे हम वर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये सिर्फ करके देखेगा सिर्फ एक महीने के लिए करके देखेगा कि वर्क के सारे लोगों को ये सिर्फ आपके लिए नहीं आपके ऑफिस में सारे जो हैं आप कहिएगा आठ बजे के बाद हम एक दूसरे को फोन नहीं करेंगे हम ईमेल नहीं करेंगे हम मैसेज नहीं करेंगे हम कल सुबह करेंगे एक महीना करना है इसकी रिजल्ट देखने हैं लोगों के ऊपर लोगों के अंदर इतना ज्यादा तनाव है क्योंकि वो घर पे रहते हुए भी घर पे नहीं है वो सारा दिन फोन ईमेल मैसेज फोन कॉल यही कर रहे हैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट उनके पारिवारिक रिश्तों पर पड़ रहा है रिश्ते हिल रहे हैं और जब रिश्ते हिलते हैं तो उस घर में रहने वाले बच्चों को शक्ति और संस्कार इसकी कमी हो जाती है और ये बन जाएगा हमारा कर्म ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारा कर्म बनेगा अगर किसी के घर में कुछ खिला इस वजह से तो इसलिए आठ बजे के बाद पूर्ण रीति छुट्टी पूर्ण रीति छुट्टी होनी चाहिए अब तो नई न्यूज आ रही है ना कि हमारे को हफ्ते में भी दो ढाई दिन छुट्टी मिलने वाली है लेकिन वो छुट्टी भी तो तब छुट्टी होगी अगर सच में छुट्टी होगी लेकिन सिर्फ घर पे बैठे हैं और काम ही कर रहे हैं तो उसको छुट्टी कैसे कहा जाएगा छुट्टी मीन्स द माइंड हैज टू अनवाइंड इस माइंड को थोड़ा समय दीजिए अगेन हम थर्टी ईयर्स पहले जाते हैं जब घर आते थे मम्मी पापा हमारे तो उसके बाद उनके पास फोन नहीं था लैंडलाइन भी नहीं था तब तो शुरू में तो अगले दिन सुबह तक उन्हें कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता था तो जस्ट कैलकुलेट कीजिए हर रोज आठ से आठ सुबह तक बारह घंटे उनका माइंड ऑफिस नहीं जा सकता था क्योंकि उनके पास कोई फोन नहीं आता था हर रोज बारह घंटे छुट्टी कब था लास्ट दिन जब हमें बारह घंटे छुट्टी मिली थी और उनको हर रोज बारह घंटे छुट्टी मिलती थी और फिर शनिवार रविवार फिर छुट्टी फिर त्योहार, फिर छुट्टी फिर परिवार के साथ छुट्टी पे गए तो फिर छुट्टी तो उनको तो एक्चुअली हर साल में छह महीने से ज्यादा तो छुट्टी थी इसीलिए उस समय कोई डिप्रेशन की बात नहीं करता था। कैंसर इस तरह से बढ़ा हुआ नहीं था हम डायबिटीज का कैपिटल नहीं थे दुनिया के अंदर ये सब बातें क्यों नहीं थी क्योंकि मन और शरीर को रोज छुट्टी मिलती थी इट हैज टू गेट टाइम टू रेस्ट टू अनवाइंड ये बाह्य सिचुएशंस पे हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज कैसे ठीक करना कैंसर बहुत बढ़ रहा है डिप्रेशन हम नंबर वन हो गए लेकिन उसका मूल पे जाना होगा ना कि माइंड को रेस्ट नहीं देंगे तो ना माइंड हील्ड होगा ना बॉडी हील्ड होगी तो ये हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि सही मायने में छुट्टी दीजिए छुट्टी दीजिए कि आठ बजे के बाद शाम को डिसकनेक्ट फिर नौ बजे के बाद कोई और मीडिया नहीं मतलब न्यूज हमने रात को लेट नहीं सुननी है बिल्कुल भी हमने कोई ऐसा टॉक्सिक एंटरटेनमेंट रात को सोने से पहले नहीं लेना है ये हमारा टाइम हमारे माइंड को हम धीरे 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 स्लो डाउन करना शुरू करें हमारे संकल्पों की गति धीमी होती जाए फिर जब हम सोने जाएंगे ना हम सीधा गहरी नींद का अनुभव करेंगे सीधा आज तो नींद की गोलियां ले रहे हैं सोने की कोशिश करते हैं नींद नहीं आती है नींद क्यों नहीं आती है क्योंकि मन सोचता ही जा रहा है सोचता ही जा रहा है क्योंकि उसको धीमी गति पर लेकर नहीं आए हैं तो नौ बजे के बाद नो सोशल मीडिया नो टॉक्सिक मीडिया नो वर्ल्ड न्यूज एंड एट ओ क्लॉक के बाद नो वर्क कम्युनिकेशन अच्छा अच्छा म्यूजिक सुने अच्छी अच्छी किताबें पढ़े परिवार के साथ बैठे और कभी कभी करके देखें कि कुछ ना करें कुछ नहीं करें बट बहुत अच्छा होता है हमें आदत ही नहीं है कि लास्ट हम बैठे हों कुछ नहीं करते हुए क्योंकि जैसे हमारे पास कुछ नहीं करने के लिए होता है हम अपना फोन उठा लेते हैं तो नहीं कुछ नहीं करना जस्ट बैठे ऐसे रिलैक्स कुछ नहीं करना वो भी हमारे माइंड और बॉडी को बहुत रेस्ट देता है फिर तो रात को सोने से पहले का बीस मिनट अपने लिए रखना है अपने मन को शक्तिशाली बनाना है सोने से पहले ऐसे ही नहीं सोने चले जाना है तो सोने से पंद्रह मिनट पहले हमें बहुत बहुत शक्तिशाली प्योर पावरफुल कंटेंट कंज्यूम करना है मतलब हेल्दी इमोशनल डाइट जैसे हम शरीर के लिए कहते हैं ना कि रात को सोने से पहले कुछ लोगों को दूध पीने की आदत होती है कुछ की कोई कोई ना कोई अच्छी डाइट हम रात को ले लेते हैं कि सोने से पहले हम ये लेते हैं सोने से पहले पंद्रह मिनट प्योर पावरफुल पॉजिटिव कॉन्टेंट ये है स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी का यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इमोशनल डाइट है ज्ञान इमोशनल डाइट है तो कुछ भी बहुत प्योर सात्विक सुने पढ़ें या देखें रात को सोने से पंद्रह मिनट पहले तो आपकी जो आखिरी लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जाएगी ना यहाँ वो बहुत प्योर होगी बहुत शक्तिशाली होगी और जो बातें लास्ट जाएंगी मन पर सोने से पहले वो ही सारी रात आपके शरीर और मन पर काम करेगी हाई एनर्जी वर्ड्स परमात्मा का ज्ञान सात्विकता शांति शक्ति सद्भावना एकता सम्मान शुक्राना, ये शब्दों के जब ज्ञान भरेगा यहाँ पर तो सारी रात यही शब्द यही वाइब्रेशन यही एनर्जी मन और शरीर को रेडिएट होगी और फिर सही मायने में नींद में हीलिंग होगी एनर्जाइजिंग होगी अब आप सोचिए यही इसके विपरीत अगर हम दूसरी बातें भर कर सोएंगे तो सारी रात मन और शरीर पे कौन से शब्दों की एनर्जी और वाइब्रेशन रेडिएट होती है तो पंद्रह मिनट ये एक नियम बना लीजिए फिर सोने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है मेडिटेशन करने का और अगर हमने मेडिटेशन नहीं अभी सीखा है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है अपने संकल्पों को दोहराने का जो संकल्प आप कर रहे हैं उसको हर रोज रात को सोने से पहले जरूर दोहराना है क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो माइंड सिर्फ ये वाला जो माइंड है ऊपर की लेयर ये साइलेंट हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये एक्टिवेट हो जाता है तो जो हमारी आखिर संकल्प होते हैं वो गहरे चले जाते हैं मतलब बीज ऊपर नहीं रहता वो अंदर चला जाता है तो रात को सोने से पहले वाला संकल्प इज नथिंग लेस देन मैजिक अगर आप अपने जीवन में अपने भाग्य में कुछ देखना चाहते हैं रोज रात को सोने से पहले उसका संकल्प कर लीजिए लेकिन संकल्प करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है संकल्प ऐसे नहीं करना ये होना चाहिए ऐसा होना चाहिए संकल्प से सिद्धि अर्थात वो संकल्प ऐसे करना जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है वो ऑलरेडी हो चुका है अपने मन को कहना ये हो चुका है आपका मन उस बात को स्वीकार करेगा आपकी बुद्धि के अंदर वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा और आप वो वाइब्रेशन रेडिएट करना शुरू कर देंगे कि ये हो चुका है अब इसको कैसे करना है कुछ संकल्प हम चुन लेते हैं इस साल के लिए जो हम सबको चाहिए कि वो हमारे भाग्य में हो सबसे पहला संकल्प मैं शक्तिशाली हो आई एम अ पावरफुल बींग मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ आई एम अ पावरफुल बींग शक्तिशाली अर्थात मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए मैं उससे बड़ा हूं मेरा माइंड पावरफुल है छोटी छोटी बातें क्या बड़ी बड़ी बात भी मुझे नहीं हिला सकती मैं शक्तिशाली हूं तो हमारा पहला संकल्प आई एम अ पावरफुल बींग मैं शक्तिशाली आत्मा हूं दूसरा मैं शांत हूं मैं स्थिर हूं मैं शांत हूं मैं स्थिर हूं आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज तीसरा मैं सदा खुश हूं खुशी चाहिए नहीं हमें खुशी चाहिए नहीं हम सदा खुश हैं आई एम ऑलवेज हैप्पी आई एम ऑलवेज हैप्पी चौथा अभी के समय पर बहुत जरूरी आई एम फियरलेस मैं निडर हूं मैं निर्भय हूं आई एम फियरलेस पांचवा संकल्प आई एम अ गिवर आई एम अ गिवर मैं देने वाली आत्मा हूँ अब ये लगता है बहुत छोटी बात हाँ राइट आई मैं देने वाली आत्मा हूँ लेकिन सारा दिन में हम देने वाले नहीं है सारा दिन में हमें कुछ ना कुछ चाहिए 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 होता है मुझे प्यार चाहिए सम्मान चाहिए ये लोग मेरे अनुसार होने चाहिए सिचुएशन मेरे अनुसार होनी चाहिए ये चाहिए चाहिए हमारी शक्ति को घटाता है हम चाहिए वाले नहीं हम देने वाले हैं क्योंकि सफलता का मीनिंग ही ये है सफलता अर्थात गिवर जो देने वाली आत्मा है वो सफल करती है अपना जीवन तो आई एम अ गिवर रोज अपने आप को ये संकल्प करें मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए ये बहुत बड़ी पावर होती है मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए अर्थात कोई मेरे बारे में क्या कहता है किसी का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है कोई मेरी महिमा करता है या मेरी निंदा कर देता है कोई मुझसे प्यार से बात करता है या अपमानित शब्द बोल देता है उसका मेरे मेरे मन पर मेरे जीवन पर जीवन कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए ऐसी आत्मा निंदा स्तुति में एक समान बन जाएगी निंदा स्तुति में एक समान तो ये भी अपने संकल्प में डालिए आई एम अ गिवर मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए फिर अगला संकल्प माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज मेरा शरीर स्वस्थ है निरोगी है और हमेशा रहेगा हमेशा रहेगा फिर अपने रिश्तों के लिए एक संकल्प करें कि मैं सबको स्वीकार करती हूं और सब मुझे स्वीकार करते हैं आई एक्सेप्ट पीपल पीपल एक्सेप्ट मी और मेरे सारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं बहुत मजबूत है इसको रोज दोहराना है इवन अगर सब कुछ हिल रहा होगा ना वो भी बदल जाएगा अगर हम रोज वो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा फिर अपने काम के लिए एक संकल्प करें जो आपका टारगेट है जो आपने इस साल का या तीन महीने का लक्ष्य रखा है उसका संकल्प रोज दोहराए लेकिन संकल्प होगा आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड जो आप अचीव करना चाहते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं आई हैव ऑलरेडी अचीव दिस सफलता मेरे लिए निश्चित है नॉट आई वांट टू बी सक्सेसफुल सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी सफलता मेरे लिए निश्चित है एंड आखिरी संकल्प परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है कि सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ रोज बनाना बहुत 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 जरूरी है कि परमात्मा की शक्तियों का डिवाइन लाइट का प्रोटेक्शन सर्कल मेरे चारों तरफ है हम जिस माहौल में रह रहे हैं मेरे चारों तरफ बहुत सारी एनर्जीज होती हैं डर चिंता गुस्सा वो हमारी एनर्जी फील्ड के अंदर आ जाती हैं तो अपने चारों तरफ ये सुरक्षा कवच रोज रात को सोने से पहले जरूर बनाना है तो आठ दस संकल्प हो गए मैं शक्तिशाली आत्मा हूं मैं शांत हूँ स्थिर हूं मैं सदा खुश हूं मैं निडर हूँ निर्भय हूं मैं देने वाली आत्मा हूं मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मेरा शरीर स्वस्थ है निरोगी है मैं सबको स्वीकार करती हूँ सब मुझे स्वीकार करते हैं मेरे रिश्ते मजबूत हैं मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है फिल इन द ब्लैंक जो भी अचीव करना चाहते हैं सफलता मेरे लिए निश्चित है और परमात्मा की शक्तियों का मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है दस संकल्प बन गए रात को सोने से पहले इसको अच्छे से एक दो बार दोहरा लीजिए आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है ये है संकल्प से सिद्धि ये सिद्ध हो जाएगा रात को सोने से पहले अच्छे से दो तीन बार इसको दोहरा कर ये आपकी आखिरी सोच होनी चाहिए आखिरी संकल्प और ये बोलते बोलते अंदर आपको नींद आ जाएगी अब अगर अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाकर और सोने से पहले सात्विक बातें अंदर भर के सोएंगे बहुत जल्दी नींद आएगी गहरी नींद आएगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहूर्त अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा अपने आप नींद खुल जाएगी चार से पांच बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है इसका अर्थ क्या है हाइएस्ट वाइब्रेशनल टाइम ब्रह्म मुहूर्त वैसे तो हम अपने जीवन के सारे इंपॉर्टेंट काम मुहूर्त निकलवा के करते हैं लेकिन जो दिन का मुहूर्त है उसमें तो हम में से बहुत सारे सोए हुए होते हैं तो अगर दिन के मुहूर्त टाइम पे सोए हुए होंगे तो शुभ समय तो गवा दिया ना फिर तो तो ब्रह्म मुहूर्त उसको अमृत वेला भी कहते हैं वेला जो अमृत के समान है तो जल्दी सोएंगे सही विधि से सोएंगे तो सुबह उठने का सोचना नहीं पड़ेगा नींद अपने आप खुलेगी ब्रह्म मुहूर्त पे उठते ही सबसे पहला संकल्प परमात्मा शुक्रिया फर्स्ट संकल्प फर्स्ट संकल्प हमेशा होना चाहिए परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद शुक्रिया सुबह तो सुबह का पहला संकल्प में कौन आ गया एक तो परमात्मा और दूसरा संकल्प दूसरा क्या आ गया परमात्मा शुक्रिया परमात्मा शुक्रिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परमात्मा को शुक्रिया करना सुबह सुबह फिर अपने संकल्पों को दोहरा लें ये जो हमने लिखे हैं अभी संकल्प से सिद्धि के लिए इन संकल्पों को अच्छे से दोहरा लीजिएगा फिर दोहरा कर मेडिटेशन करें फिर उसके बाद फिर से सुबह कम से कम आधा घंटा परमात्मा के ज्ञान की बातों को अपने अंदर भरें दिन की शुरुआत स्पिरिचुअलिटी ज्ञान से होनी चाहिए सुबह की खुराक और फिर उसके बाद शरीर के लिए हम योगा प्राणायाम जो हमें सही लगे वो हम करें तो हमने सुबह और रात ये दो समय का सदुपयोग करना है इस दो समय को सही तरह से यूज करना है सही संकल्प क्रिएट करने है सारा दिन के अंदर जो हमने संकल्प किए थे उन्हीं के अनुसार हम हर सीन को रिस्पॉन्ड करेंगे ध्यान में रखते हुए कि जो राइट हेल्दी इमोशन है वो ही यूज करनी है वो ही यूज करनी है हम में से मेजोरिटी ने एक तरीक को गुस्सा तो छोड़ दिया होगा अपना ये तो पक्की बात है हमने गुस्सा छोड़ा होगा एक तरीक को लेकिन उसको रोज प्रैक्टिकल में लाने के लिए मैं शक्तिशाली शांत आत्मा हूँ मुझे पता है लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे लेकिन मुझे स्थिरता से हर सीन को रिस्पोंड करना है रोज सुबह अपने अंदर ज्ञान भरेंगे और इसको दोहराएंगे सारा दिन में इसको करना बहुत सहज हो जाएगा इस साल के लिए एक और संकल्प कर लेते हैं जिसका हमारे मन पर डायरेक्ट असर पड़ता है और वो है हमारा धन एंड वो है हमारा अन चार एनर्जीज है ना ये धन अन्न मन और तन ये इसी ऑर्डर में चलती है धन अन्न मन और तन धन पहली एनर्जी है जो हर घर के अंदर आती है तो आज के समाज में हमारा इस पर तो बहुत एम्फोसिस है कि हमने कितना धन कमाया लेकिन ज्यादा चाहिए कि हमने कैसे धन कमाया कैसे कमाया तो धन हमारे घर दुआओं के साथ आना चाहिए स्पिरिचुअलिटी जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है वो ये कि एक ही चीज है जो परमानेंट है और वो है हमारे संस्कार और कर्म हमारे संस्कार और हमारे कर्म एक क्षण में वो एक क्षण कभी भी आ सकता है एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ती है सब कुछ पीछे रह जाता है सब कुछ एक ही चीज साथ में जाती है संस्कार और कर्म लेकिन हम यहां का इतना ध्यान रखते हैं लेकिन ये नहीं ध्यान रख रहे कि कौन सी चीज परमानेंट है तो धन कमाना बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन धन उस तरह से कमाए कि आपके घर दुआएं आए दुआएं आए तो धन कमाने का तरीका धन कितना कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए सफलता का प्रतीक ये नहीं होना चाहिए कि हमने कितना कमाया सफलता का प्रतीक होना चाहिए किस तरह से कमाया किस विधि से कमाया कैसे संस्कारों से कमाया कैसे सबका ध्यान रखते हुए कमाया विधि इज मोर इम्पोर्टेंट इट्स मोर इम्पोर्टेंट एंड ये जब हम इसको महत्व देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे भी इसको महत्व देंगे नहीं तो वो भी सिर्फ यही बोल रहे हैं हाउ मच आर यू अर्निंग हाउ मच आर यू मेकिंग सिर्फ हाउ मच पर एम्फोसिस हो गया है हाउ मच ये सिर्फ हमें बाह्य साधन देगा हाउ आई एम अर्निंग मन को शक्ति देगा हाउ आई एम अर्निंग शक्ति देगा हाउ मच आई एम अर्निंग मेरे घर का सामान बनाएगा सिर्फ और वो सारा सामान हो और मेरा मन सुकून में ना हो तो इसको सफलता नहीं कह सकते तो संस्कार और कर्म इन दो चीजों को सारा दिन पकड़ के रखना है कि संस्कार और कर्म ही मेरी पूंजी है इनसे ही मेरा भाग्य बनता है प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी और जब मैं आत्मा शरीर छोड़ू तब भी तब भी बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी उसकी मदर ने शरीर छोड़ा तो कहा मैं अकेली गई थी अंत समय में वहां पर जब उस कलश में वो अंतिम संस्कार के बाद जो राख थी वो सारी कलश में भर रहे थे तो कहा पंडित जी ने मुझे कहा कि बस इस कलश में जितनी पूरी आएगी उतनी ही भरनी है तो कहा मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी सारी भी तो हम ले सकते तो पंडित जी ने कहा नहीं सिर्फ जितनी इस कलश में पूरी आएगी उतनी ही लेनी होती है तो पंडित जी से पूछा पंडित जी ऐसा क्यों तो पंडित जी ने कहा जैसे एक बच्चा चार पाउंड का होता है जब आता है तो जितना वो चार पाउंड का बच्चा होता है ना बस उतना ही वजन इस कलश और इसके अंदर के राख का है इतना ही आए थे और इतने में ही जा सकते हो ये बाकी अपने साथ आप लेके नहीं जा सकते हो इसका मीनिंग क्या है संस्कार और कर्म ही लेकर आते हैं संस्कार और कर्म ही लेकर जाएंगे बाकी अपने साथ कुछ नहीं जाता है कुछ नहीं जाता है ये ऐसे दिन पर तो हमें याद रहता है लेकिन वापस बाहर आए वहां से तो वो वैराग्य भूल जाता है और फिर हम उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं ये सब कुछ संभालना है ऐसा नहीं है इससे वैराग्य चाहिए लेकिन विधि विधि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जितना कमाया एक क्षण में वो सिर्फ मेरे परिवार और बच्चों के पास रह जाएगा लेकिन मैंने किस तरह कमाया वो मेरे साथ चला जाएगा मेरे कर्म और संस्कार के रूप में सो धन हमारे घर दुआओं के साथ आना चाहिए हमारे घर में आने वाले धन में किसी का दर्द नहीं लगा होना चाहिए किसी का दर्द नहीं लगा होना चाहिए क्योंकि उस धन से ही हमारे परिवार की परवरिश होती है हमारे घर का अन्न आता है तो पहले धन दुआओं के साथ फिर अन्न सात्विक होना चाहिए तो इस साल सात्विक अन्न की भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं अगर हमें मन सात्विक चाहिए तो सात्विक सात्विक होना चाहिए तो अन सात्विक हो प्रसाद खाए प्रसाद की तरह बनाए घर में रसोई में परमात्मा के याद के मंत्र जाप पाठ रसोई में चलना चाहिए रसोई में वो सारे शब्द जाने चाहिए जिस समय रसोई में भोजन बन रहा हो उस समय घर में खबरें चल रही हैं या कोई फिल्मों के गाने चल रहे हैं या कोई सीरियल चल रहे हैं तो वो सारे शब्द भोजन में चले जाएंगे ये अच्छा नहीं किसी के भी मन के लिए घर का खाना बहुत ही सात्विकता से बनना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य नहीं मन की शक्ति बनता है लाइन क्या है जैसा अन्न वैसा मन जैसा अन्न वैसा तन नहीं है वी नीड टू थिंक हाउ कम इट इज नॉट जैसा अन वैसा तन इट इज जैसा अन्न वैसा मन तो न्यूट्रिशन सिर्फ नहीं न्यूट्रिशन की वाइब्रेशन क्या है तो परिवार को ध्यान रखना है कि एक तो हम सात्विक अन्न खाएं किसी की मृत्यु का अन्न हम नहीं खा सकते हैं किसी की हिंसा करके किसी को दर्द और दुख देकर हम सेहत नहीं कमा सकते हैं हम नहीं कमा सकते हैं वो हेल्थ नहीं है वो सिर्फ प्रोटीन है किसी को डेथ देकर हेल्थ नहीं कमाई जा सकती है इसमें एनर्जी ही डेथ की है एनर्जी ही किसी के दर्द की है तो अपने स्वास्थ्य के लिए स्वार्थी होकर अपने स्वाद के लिए स्वार्थी होकर किसी की मृत्यु होना ये कौन से कर्म के खाते में जाएगा और ये कौन सी वाइब्रेशन हमारे अंदर एंटर होगी वाइब्रेशन ही दर्द की है तो सात्विक अन्न प्रसाद की तरह बने तो अपने रसोई में एक सिस्टम सेट कर दे कि खाना बन रहा है तो इसके अंदर हाई एनर्जी वर्ड्स चल रहे हैं इस समय अभी भी हमारे शहर की एनर्जी कैसी है जो शहर की वाइब्रेशन होगी वही हमारे घर में पानी की वाइब्रेशन होगी वही सब्जी फल की वाइब्रेशन होगी अब इस समय तो बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं शहर में दर्द भी, भी है चिंता भी है अगर पानी की आप वाइब्रेशन चेक कर सके तो इस समय पानी के अंदर डर है चिंता है दुख है दर्द है और हम उसको ऐसे ही पी लेते हैं ऐसे नहीं पीना और ऐसे नहीं खाना पहले रसोई में हाई एनर्जी वर्ड्स चलेंगे तो सारी वो एनर्जी क्लेंस हो जाएगी पानी की एनर्जी भी क्लेंस हो जाएगी सात्विक खाना सात्विक तरह से बनाना और फिर सात्विक तरह से स्वीकार करना एक और प्रतिज्ञा इस साल के लिए खाना खाते समय नो फोन नो टीवी कोई स्क्रीन ऑन नहीं होनी चाहिए खाना खाते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिज्ञा है और जब हम सब खाना खाएं तो उस समय साइलेंस से स्टार्ट करें दस सेकेंड रुके अपने खाने में वो संकल्प डालें जो हमने रात और सुबह दोहराए थे जिनको हम सिद्ध करना चाहते हैं अपने खाने को उन संकल्पों से एनर्जाइज कर दीजिए अपने पानी को उन संकल्पों से एनर्जाइज कर दीजिए तो पानी की एनर्जी चेंज हो जाएगी उसमें शहर का दुख दर्द गुस्सा आएगा और हम उसमें कहेंगे मैं शक्तिशाली हूं मैं सदा खुश हूं मैं निडर हूं मैं स्वस्थ हूँ वाइब्रेशन चेंज तो दस सेकेंड पांच सेकंड खाना खाने से पहले रुकिए रुकिए और खाने और पानी को एनर्जी को चेंज कीजिए अगर हम ये नहीं करते हैं तो जो हमने एक को संकल्प किया था वो चार पांच तारीख तक में होने लगते हैं क्योंकि हमने संकल्प अच्छे किए थे लेकिन वाइब्रेशन हम सारा दिन अच्छी खा पी नहीं रहे हैं पांच सेकंड खाने और पानी से पहले रुकना ये लगता है कि और ये बहुत ज्यादा है पांच सेकेंड बार बार रुकना ये पांच सेकेंड आपके भाग्य को चेंज कर सकता है क्योंकि आप शहर के लोगों के मन के इमोशनल इन्फेक्शन से अपने को बचा रहे हैं तो पांच सेकेंड रुकेगा जरूर और भोजन करते समय कोई प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं होनी चाहिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए कोई हमारे जीवन में मुश्किलें चल रही हो वो नहीं डिस्कस होनी चाहिए या तो साइलेंस में खाना या बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हुए खाना ये ध्यान रखते हुए कि वो हर शब्द खाने में जा रहा है पानी में जा रहा है तो अगर कोई कुछ कहने भी लगे तो कहना खाने के बाद बात करेंगे और ये हम अगेन हम लास्ट जनरेशन है जिसने अपने घरों में ये सब देखा है कि हमारे बड़े कहते थे खाने के बाद बात करेंगे सुबह उठ के बात करेंगे ये रात को सोने से पहले हम ये बात नहीं करेंगे ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन इसका रिजल्ट बहुत डीप है तो सिंपल रात को सोने का समय सोने से पहले हम भोजन कैसे कर रहे हैं लाइट एंड अर्ली फिर हम काम से दो घंटा पहले डिस्कनेक्ट कर रहे हैं सोने से पहले फिर हम रात के पंद्रह मिनट पहले बहुत सात्विक बातें अपने अंदर भर के मेडिटेट करके फिर अपने उन दस संकल्पों को दोहराकर गहरी नींद सोकर हम अमृत वेले ब्रह्म अवरत अपने आप बहुत सहज तरह से उठ रहे हैं उठते ही परमात्मा को शुक्रिया फिर अपने संकल्प दोहरा रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं फिर हम अपने अंदर पुनः दिन की शुरुआत के लिए ज्ञान भर रहे वेरी इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी मिनट सुबह फिफ्टीन मिनट रात को बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अंदर वो राइट डाइट देना जब तक खुराक अंदर नहीं जाएगी सोच नहीं बदलेगी और सोच नहीं बदलेगी तो भाग्य नहीं बदलेगा नहीं बदलेगा और सारा दिन फिर हम उसको हम अपने रिस्पॉन्सेज में लेकर आए धन कमाने के तरीके पे और थोड़ा अटेंशन रखें कि किसी की भी असंतुष्टता किसी का भी दर्द मेरे धन में घर नहीं आना चाहिए अन्न सात्विक और सात्विक तरह से बनाया और खाया जाए ये छोटी छोटी बातें कर लें तो जो भी आपने प्रतिज्ञा की थी एक तारीख को उसको सिद्ध करना बहुत ईजी है उसको सिद्ध करना बहुत ईजी है क्योंकि आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं शक्तिशाली बना रहे हैं फिर बातें तो फिर भी आएंगी बाहर आएंगी इमोशनल स्ट्रेंथ इमोशनल स्टेमिना इतना स्ट्रांग रहेगा कि हम बड़े से बड़ी बात को स्थिरता से क्रॉस करेंगे ये सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हम अपने आसपास वालों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे एक एंकर बन जाएंगे एक लाइट हाउस बन जाएंगे ये है ट्रू लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटी है कि हमारी स्थिरता का प्रभाव सभी पर पड़ेगा सभी पर पड़ेगा शुरू में भाई ने कहा संत महात्माय। संत महात्माय कुछ अलग नहीं होता है हम सब हैं संत संत क्या है जो अपनी सोच के ऊपर पवित्रता का ध्यान रख रहे हैं बिजनेस करते हुए व्यापार करते हुए घर गृहस्थ में रहते हुए बच्चों को पालते हुए अपने मन को शुद्ध और साफ रखें हम सब परमात्मा के फरिश्ते हैं हम सब वो पवित्र संत आत्माए हैं सभी इसके लिए घर ग्रस्त छोड़ते नहीं है अपने व्यापार काम को छोड़ना नहीं है वहां रहते हुए मन को बस शुद्धता और सात्विकता से रखना है तो फिर ये नया साल बिल्कुल वैसा होगा जैसा हम चाहेंगे क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है तो संकल्प करें और अपने नए साल को ही नहीं अपने जीवन को वैसा बनाए जैसा आप चाहते हैं ना कि पता नहीं क्या होगा होगा वो ही जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं शुक्रिया ओम शांति नमस्कार धन्यवाद दीदी बहुत ही बेहतरीन और जैसा कि दीदी ने बताया कि अपने अपने मन को हम कैसे कंट्रोल करें और अपने संकल्प हम किस तरह से लें कई हजारों मेरे पास जो है व्हाट्सएप पर भी मेरे पास मैसेजेस हैं, मेरे पास चैट बॉक्स में है और जो हमारे साधना टीवी के दर्शक हमारे संग जुड़े हुए हैं उनके भी मैसेजेस लगातार मेरे पास आ रहे हैं बट दीदी आप हो गई। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें सबसे पहले मैं अशोक खन्ना जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर के हैं मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपना क्वेश्चन रखें ब्रीफली अशोक जी हाँ आपको सुनाई पड़ रहा है जी सर सुनाई पड़ रहा है सर बोले मैं दीदी आपको अक्सर सुनता रहता हूँ और आज भी बहुत अच्छा आपने प्रवेशन दिया बहुत अच्छा बोले बहुत मीनिंग फुल फॉर आवर लीडरशिप मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो हम कहते हैं जो लिखा हुआ है वही होगा है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम कुछ चीजें बदल सकते हैं। तो ये एक तरह का मेरे मन में दुविधा रहती है कि एक तरफ तो लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण भी कुछ नहीं चेंज कर सके वो वो एक नोक भी नहीं कर हिला सके और मौर हुई एक तरह हम कहते हैं हम सब कुछ शेयर नहीं कर सकते आपके प्रवचन तो मैं सुनता ही रहता हूँ सुरेश उड़ के साथ वैसे ही अकेले भी तो ये इसका मुझे थोड़ा सा करिए ताकि क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे कंफ्यूजन हटे ठीक ओके जी।, जी जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी एक जन्म पत्री बनाते हैं उसमें उस जीवन उस बच्चे की जीवन के लिए बहुत कुछ लिखा होता है ऑलरेडी लिखा हुआ है ये होगा ऐसा होगा दस साल में ये होगा बीस साल में ये होगा ये सब कुछ लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है उस बच्चे के जीवन में आता भी है वो बातें आती हैं, वो परिस्थितियां आती हैं, सबसे पहली चीज के ये जो लिखा हुआ था ये किसने लिखा ये किस आधार से लिखा क्योंकि जैसे आपने कहा परमात्मा ने कहा ये मैंने नहीं लिखा है भाग्य अगर परमात्मा लिखे तो हम सबका भाग्य परफेक्ट होगा और एक जैसा होगा लेकिन हम सबका भाग्य तो बहुत अलग अलग लिखा हुआ आता है तो ये लिखा किसने एस्ट्रोलॉजी हमें समझाती है कि जन्म किस आधार पर लिखी जाती है ग्रहों का प्रभाव उस आत्मा के संस्कारों के ऊपर जो कर्म हम लेकर आए थे उस आधार पर हमारी जन्म बनती है इसीलिए उसी क्षण ऐसा नहीं है एक ही बच्चा पैदा होता है उसी क्षण उसी स्थान पर हॉस्पिटल के अंदर दो बच्चे भी पैदा हो सकते हैं लेकिन उनका भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है जुड़वा भी पैदा होते हैं एक दो मिनट के अंतर पर उनका भाग्य भी बिल्कुल अलग अलग क्यूं? अलग अलग होता है क्यों क्योंकि वो कर्म और संस्कार लेकर लेकर आए है। कहां से ले आए हैं हैं से अपने प्रीवियस कॉस्ट्यूम में तो अभी हम यहाँ पर हैं हम सब कुछ जो कर रहे हैं हमारा कर्म और संस्कार यहाँ बनता जा रहा है एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ आगे जाती हूँ सब कुछ पीछे रहता है कर्म और संस्कार चला जाता है तो इस शरीर में जो मेरा लास्ट क्षण होता है वो है मेरा थर्टी फर्स्ट मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट रेडी हो गई मेरी बैलेंस शीट और नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में बच्चा पैदा हुआ ओपनिंग बैलेंस शीट उसी दिन मिल जाती है वो है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट तो आइडेंटिकल होती है लेकिन उस ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ मैं अपने अगले शरीर में कैसे बिजनेस करती हूँ तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं हो सकता तो हो सकता है मैं बहुत प्रॉफिट लेकर आई अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लेकिन उस साल मैंने ठीक से बिजनेस नहीं किया तो मुझे लॉस भी हो सकता है और हो सकता है मैं बहुत बड़े बड़े लॉसेज लेकर आई हूँ और इस साल मैंने मिरेकल क्रिएट कर दिया तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है मेरे जीवन में जो आ रहा है वो पहले ही लिखा हुआ है इट इज प्री डेस्टिड बट प्री डेस्टिड बाई हु प्री डेस्टीन बाई मी बाय माई कर्मा वो मेरे सामने आ रहा है अब हम उसका कैसे सामना करते हैं यह है ये मेरा प्रेजेंट कर्मा यह मेरा प्रेजेंट कर्मा कंप्लीटली मेरे हाथ में है अभी जो हो रहा है मैंने पहले लिखा था जो अब मैं कर रही हूं ये मेरा प्रेजेंट है और अब जो हम करेंगे उससे हमारा फ्यूचर बनेगा तो हर क्षण तीनों काल साथ साथ चलते हैं पास्ट पास्ट वापस वापस आता आता है है मतलब मेरा का कर्म के रूप में प्रेजेंट हम क्रिएट करते हैं फ्यूचर डिसाइड हो जाता है ये तीनों काल कट्ठे कट्ठे होते हैं तो प्री डेस्टिड भी राइट right है क्योंकि हम प्रीवियसली वो डेस्टिनी लिख कर आए हैं लेकिन सारी पावर नाव में है प्रेजेंट में है तो जो आपने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा मैं कुछ नहीं बदल सकता बिल्कुल राइट है क्योंकि सब कुछ जो वो सभी अपने कर्मों से लिख कर आए थे वो उनके साथ हो रहा था लेकिन फिर उनको वहां क्या सिखाए सिखाया जा रहा था अब कौन सा कर्म करना है वो तो कंप्लीटली उनके हाथ में था कि अब कौन सा कर्म करना है तो अब कौन सा कर्म करना है वो दुर्योधन को भी सिखाया गया वो युधिष्ठिर को भी सिखाया गया वो अर्जुन को भी सिखाया गया वो सबको सिखाया गया और हर एक ने अपना प्रेजेंट कर्म अपने अनुसार अलग अलग चूज किया पास्ट प्रीडेस्टिन था वॉर प्रीडेस्टिन थी अगर लेकिन प्रेजेंट कर्मा हर एक का अलग अलग था तो दोनों बातें राइट हैं कि प्रीडेस्टिन भी है और प्रेजेंट कर्मा में पूरी पावर है थैंक यू दीदी अब हमारे बीच uh... श्री अनिल खैतान जी हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट उसके बाद मैं साकेत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन रखेंगे अनिल खैतान जी आप बोलें सर अनम्यूट करें और बोलें प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ अनिल खैतान जी ओके आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है खेतान साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अदरवाइज आपकी आवाज हमारे तक नहीं आप नहीं पहुंच anyway, साकेत जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डालमिया जी सर प्लीज़ आस्क नमस्ते दीदी नहीं। 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 आ, मेरा तो शायद सवाल नहीं रहेगा मैं शायद कुछ कहना ही चाहूंगा कि कुछ बातें जो दीदी ने आज कही वो मैंने पहले भी उनसे सुना हूं और भूल गया था और कुछ बातें याद रह गई थी So thank you for the reminder of all the good things we should try to inculcate in our daily lives. And instead of saying that how we should start a new year, it would be appropriate for me to say that how we should live our lives, that become a new day every day we live. So thank you for that guidance. I think uh, enough reflection for me to today to unnecessarily inquire more. It's better for me to practice a little bit what I've heard today. So thank you so much for your precious time. And we hope to see you on a regular basis so that whatever we have heard today, we're able to reflect upon that and inculcate more. By seeing you here more on this platform, it will help all of us to be more focused on the direction which you have suggested. And I think most of us have field and, kindle and kindle to follow. Thank you, Didi, thank you so much.

I've been following her for the last uh, six and a half months, every day and early in the morning, based on what I listen to her and what I learned from her, I nourish myself with a nutritional emotional diet which gives me stamina. I try to increase every day, even if I can do it by half a percent, I think I have achieved something. Her teaching has increased my peace within myself tremendously. For the last six months, I feel much more in charge with myself. She has helped me to change one of my sanskars, which I wanted to change and i think which is a common sanskar amongst all human beings and that is anger in one of her videos didi spoke and she compared the no smoking zone with a concept of no anger zones aap apni offices may, apni factories mein aap kyon nahi laga sakte no anger zone mere ko ye baat bahut appeal kare humne hamari factories may? हमारी ऑफिस में नो एंकर ज़ोन लगाए एंड बिलीव मी ऑनेस्टली मैं दीदी के सामने नहीं कह रहा बट वी कैन विजिबली फाइंड द पॉजिटिव इफेक्ट आई एम पर्सनली बेनिफिटेड बाय मेडिटेटिंग ऑन माय संस्कार ऑफ बीइंग अ पीसफुल सोल जो दीदी कहती है विच हैज हेल्प मी रियलिस्टिकली to to bring down my anger substantially, दिदी. and and conclude, you have made me me more by making me aware about the and the पावर ऑफ माई आत्मा दीदी Thank you. थैंक यू कैतान साहब ये तो हम सबने ने एक्सपीरियंस करा आपकी प्रेसिडेंसी में हम में से किसी ने आपसे डांट नहीं खाई तो ये तो हमने 2018 में एक्सपीरियंस किया लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हमने अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट कई से डांट खाई और अच्छी डांट खाई और सौरभ जी मेरी इस बात से एग्री करेंगे दीदी मैं एक पर्सनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा माई वाइफ इज अनुराधा श्रीवास्तव वो मेरे को चैट बॉक्स में पूछ रही है मेरा बेटा अंश श्रीवास्तव बारहवीं क्लास में पढ़ता है और रात को एक एक डेढ़ डेढ़ -डे बजे तक पढ़ता है और मुझे लगता है कि वो ज्यादा शायद उससे चिंतित नहीं है कि उसके जो

पेरेंट्स के और बाकी परिवार वालों के मन की स्थिति तो हम बहुत अच्छे संकल्प उस घर के लिए उस परिवार के लिए क्रिएट कर सकते हैं और जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी अपने लिए क्रिएट करना है ये वाले संकल्प जो रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही करने हैं वो बच्चे को भी जरूर कर दे आई एम पावरफुल आई एम स्टेबल आई एम हेल्दी अब वो बच्चा अपने लिए ऐड करे आई एम फोकस्ड एंड माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाइएस्ट माई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट इज और नंबर दे दे वहां पे अपने आप को जो आपको लगता है आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको अचीव करने हैं दूसरे क्या कर रहे हैं वो नहीं आपको अपनी कैपेसिटी से थोड़े से नंबर ज्यादा लिखने हैं उस ब्लैंक के ऊपर आई हैव ये लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आई एम पावरफुल आई एम स्टेबल आई एम फोकस्ड माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाइएस्ट रोज रात को ये संकल्प करेगा बच्चा भी पेरेंट्स तो करेंगे लेकिन बच्चा भी करे सुबह भी करे दो मिनट रात को दो मिनट सुबह हर रोज दिन में कम से कम पंद्रह मिनट ज्ञान जरूर भरना कई बार बच्चों को लगता है हमारे पास टाइम नहीं है बाकी दूसरी बातें सुनने के लिए हमें तो सिर्फ पढ़ना है लेकिन फिर पढ़कर पूरा साल पढ़कर उस दिन की मनोस्थिति हमारी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है उस दिन की मनोस्थिति अगर उस दिन की मनोस्थिति में थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया थोड़ी सी भी एंगजाइटी आई तो हम जितना पढ़े थे उससे थोड़ा सा कम हो जाता है हमारा परफॉर्मेंस तो हमें पढ़ाई के साथ साथ मनोस्थिति की तैयारी भी पहले से ही करनी शुरू करनी चाहिए ताकि उस दिन पर एग्जाम तो देंगे लेकिन बहुत सहजता से देंगे निर्भय होकर देंगे तो इसलिए पंद्रह मिनट रोज ये खुराक जरूर लेनी है कभी भी चाहे खाना खाते समय अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा चाहे खाना खाते समय पंद्रह मिनट ज्ञान के शब्द अंदर जाने दीजिए ये मन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अब उनकी मम्मी अर्थात अनुराधा जी कर सकती हैं क्या कि वो कर सकती हैं कि जब वो बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही हैं उनके लिए दूध का ग्लास तैयार कर रही हैं उनको पानी भी पिला रही तो उसमें भी ये डालना है शक्तिशाली है स्टेबल है, है पावरफुल है सफलता निश्चित है अर्थात दुआएं देके खाना खिलाना है दुआएं देके खाना खिलाना है दुआएं देके पानी पिलाना है हर चीज जो मन पर जाएगी वो मन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मनोस्थिति उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हम बहुत कुछ देख रहे हैं जो हो रहा है जब हम उसको सुनते हैं पढ़ते हैं हमें लगता है वो ये किसी और के साथ हुआ होगा ये किसी और के साथ नहीं हो रहा है कि हमारे बीच ही लोगों को हो रहा है इतना पढ़ के देश के मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट में जाकर भी डिप्रेशन होना एंजाइटी एक्सपीरियंस करना कैसे कर सकते हैं वो बच्चे जिन्होंने इतना एक्सेल किया है अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर सुइसाइड का सोचना सुसाइड कॉन्टेप्लेट करना या कर भी देना ये कैसे हो सकता है उन बच्चों के साथ जो सिर्फ फर्स्ट ही आए हैं हमेशा क्योंकि फर्स्ट आने के साथ साथ मनोस्थिति पर एम्फेसिस नहीं रखा इसलिए तो दोनों चीजों को साथ साथ पकड़ के रखना है साथ साथ पकड़ के रखना है तो घर में अगर जो बड़े हैं वो मेडिटेशन करें पॉजिटिव एनर्जी वर्ड्स चलाएं घर में अगर आपके घर में बहुत धीमी वॉल्यूम पर ओम की ध्वनि भी चल रही हो ना तो एक हाई एनर्जी वर्ड आपके घर के अंदर गूंजता है बहुत सॉफ्टली हो वो अपने घर के अंदर एक वाइब्रेशन गूंजती है हमें पता ही नहीं चलता है ये सब इनविजिबल चीजें हैं ये दिखती नहीं है लेकिन ये मन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही होती है तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा और हम सब घर की एनर्जीज को और अब हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत मेहनत कर रहा है सफलता उसके लिए निश्चित है आर असर्टिन के वो इतने नंबर लाएगा दुआओं वाली भाषा बोलिए आशीर्वाद वाली भाषा बोलिए आशीर्वाद वो नहीं है जो एग्जाम के दिन देना है सिर्फ आशीर्वाद रोज वही भाषा बन जाए गलती से भी नहीं कहना पढ़ नहीं रहा पता नहीं क्या होगा नहीं आए नंबर तो कैसे होगा ये ऐसे वाले शब्दों को घर में गूंजने नहीं देना सिर्फ आशीर्वाद आशीर्वाद संकल्प बहुत अच्छा पढ़ रहा है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ रहा है सफलता निश्चित है सोचते जाइए बोलते जाइए संकल्प उस बच्चे पर भी प्रभाव डाल लेंगे उसकी मेहनत बढ़ती जाएगी और संकल्प सिद्ध हो जाएंगे और जो सोचा था उससे ज्यादा पा लेंगे दीदी जो एक अभी मेघना ने पूछा कि भी मेरे अंदर नेगेटिव वर्ड्स ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए अगर कभी नेगेटिव वर्ड्स सुने तो उसमें हम क्या करें वेरी सिंपल है पहले नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है वन और दूसरी चीज पॉजिटिव प्योर कंटेंट रोज जरूर कंज्यूम करना है तो इसीलिए सुबह और रात ये बहुत ये करके सिर्फ 2 महीने करके देखना है. अभी हमने अनिल जी से सुना ना अनुभव ही सुना कि रोज सुना सोच बदलती है सिर्फ भरना है अंदर कुछ नहीं करना है हम सोच को नहीं बदल सकते हम खुराक इंडस्ट्री है आप सबकी आपको रॉ मटेरियल को चेंज करना है रॉ मटेरियल अगर राइट चला गया एंड प्रोडक्ट ठीक बनना शुरू हो जाएगा लेकिन रॉ मटेरियल ही अंदर ठीक नहीं गया तो आप एंड प्रोडक्ट को कितना तक को बदल सकते हैं रॉ मटीरियल कॉन्टेंट जो अंदर जा रहा है नेगेटिव कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए जहां तक हो सके कम कर लीजिए एंड कॉन्शियसली प्योर हेल्दी कंटेंट रोज पंद्रह बीस मिनट डालिए आपको महीने दो महीने के अंदर अंदर इतना चेंज अपने अंदर दिखाई देगा आपकी भाषा बदलने लगेगी थैंक यू दीदी मेरे पास बहुत सारे बहुत सारे सारी आई है। मैं नाम लेना चाहूंगा कमल डालमिया जी हैं बहुत कुछ लिखा है उन्होंने विजय गुप्ता जी हैं वेरी नाइस प्रोग्राम साधना टीवी के कई दर्शकों ने लिखा है लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि चूंकि हमारे पास समय की एक थोड़ा हमारा बंदिश है और इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट पहले से ही कर रहा था कि आप हमें क्वेश्चंस लिखे ना टू एन एंड फॉर दिस प्रोग्राम परमिशन ऑफ दीदी सेक्रेटरी जनरल सौरभ सान्याल जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर uh, uh, right. आज बहुत कुछ दिमाक में गया है <laughs> so one has to to follow that and and implement in 100% so, but, but wonderful to hear uh, Shivani Didi Ji. God bless her and let her let keep on blessing us always thank you हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री प्रदीप मुल्तानी जी बहुत ही स्माइलिंग इंस्पायरिंग और हमेशा हंसते हैं और हम, डांट हमने इनसे भी नहीं खाई है एंड आई होप हम आगे आने वाले प्रेसिडेंट आलमिया जी से भी डांट नहीं खाएंगे अच्छा काम करते रहेंगे Saurabh ji, all yours. You have all the rights to uh, give you. us uh, your uh, opinion and concluding remarks. Over to you, sir. Thank you. Thank you. Respected Brahma Kumari Shivani Didi ji, uh, Sri Pradeep Multani, our president, PhD chamber, Sri Saket Dalmia ji, our senior vice president, PhD chamber, Sri Rakesh Gupta ji, our chair of the parliamentary forum, PhD CCI, uh, Sri Pradeep Agarwal, our co chair of the parliamentary forum, PhD CCI. Uh, distinguished managing committee members, former presidents who were there on the panel and who have been participating in this program. Uh, at the outset, I wish to thank profusely from the core of my heart to uh, Brahma Kumari Shivani Didiji for sparing her valuable time and giving us such a wonderful discourse. We are really very honored and grateful to you, Shivani Didiji, that you have spared your valuable time, so much time in the evening, and given us a wonderful. Thought uh, it was really thought-provoking, and we all wish that we could follow every word and every letter that he has spoken today. We at least we will try our best to implement all these thoughts into ourselves, even from today. If we can do that, it will be a great, great pleasure for all of us. I would personally like to thank Sri Rakesh Gupta, the chair of the parliamentary committee, to organize this kind of a relaxing and meditative seminar. Through these kinds of webinars, one can keep stress at bay, resulting in good and prosperous lives, as was brought out by Shivani Didiji in a very, very immaculate and a very, very descriptive manner. It is us who can change ourselves. It is us who can change our thought. You can. It is us who can change our mindset and follow all positivity, and it will wrap around ourselves. With this note, I would like to once again extend. Our profuse thanks and uh, uh, happy and, pro uh, and uh, healthy and safe new year to every participant who has joined us in this beautiful webinar. And we expect that each one of you have, must have taken a huge share of all the positivity which was thrown around us today through this webinar by uh, Brahma Kumari Shivani Didiji. With these words, I once again thank each one of you.

मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं दीदी और भविष्य में भी हम आपसे